उत्तराखंड के काशीपुर में नगर निगम में मेयर सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उषा चौधरी ने कांग्रेस की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी मुक्ता सिंह को 5,472 मतों से हराया, जिसमें मेयर पद की उषा चौधरी को 44,193 वोट तो वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार मुक्ता सिंह को 38,721 वोट मिले। नोटा को 747 वोट मिले और बसपा प्रत्याशी अब्बास एम ए राहुल को 2,193 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस मौके पर मेयर पद पर विजय भाजपा उम्मीदवार उषा चौधरी ने कहा कि मैं सर्वप्रथम काशीपुर की महान जनता का धन्यवाद करती हूं, जिसके कारण ही संभव ये जीत हो सकी है। उन्होंने कहा कि मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता शहरी और नगर निगम में शामिल नए क्षेत्रों में पानी के जल भराव की समस्या से स्थानीय जनता को निजात दिलाने की होगी। सर्वप्रथम तो आज की इस जीत के लिए मैं काशीपुर की महान जनता का धन्यवाद करती हूं, जिसके कारण ये संभव हो सका है। आने वाले समय में मेरी प्राथमिकता जो सर्वप्रथम तो जो हमारे यहाँ पानी जो जल भराव होता है उससे किसी भी तरह से यहाँ से जल भराव को ख़त्म करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और इसी तरह क्योंकि आजकल जो चुनाव में मैंने इधर उधर देखा है, जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे शहर में आए हैं वहाँ भी जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। इसका निष्करण करना और उसके अतिरिक्त जितने भी जो क्षेत्र नए क्षेत्र हमारे यहाँ आए हैं सम्मिलित हुए हैं उन सभी क्षेत्रों में जो मूलभूत आवश्यकता है उनको पूरा करना और जो काशीपुर में मेरे अपूर्ण कार्य रह गए हैं उन सभी कार्य को पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में 15 सालों बाद कमल खिला है। नगर पालिका से परिवर्तित होकर पार्टी के प्रत्याशी अनीता मग्गई तीर्थ नगरी में पहले मेयर बनकर सामने आए। आपको बता दें कि भाजपा ऋषिकेश नगर पालिका परिषद के पिछले 3 चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के हाथों मात खाती आ रही थी। इस बार पालिका प्रमोट होकर नगर निगम बने। नगर निगम चुनाव में भाजपा संगठन ने जीत के लिए कमर कसते हुए अनीता ममगई को चुनाव मैदान में उतारा था। अनीता ममगई ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वीना दीप शर्मा को 11,000 मतों से अधिक से शिकस्त दी। अनीता ममगई को 26,403 और भी वीना दीप शर्मा को 15,235 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी सजवाल को 12,057 और आप प्रत्याशी मंजू शर्मा को मात्र 3,317 वोट मिले, जिसके चलते पार्षद पद पर 15 सीट भाजपा के खाते में, 15 सीट निर्दलीय और 10 सीट कांग्रेस के खाते में गई। कि जो सबने हमने सबने मिलके इस ऋषिकेश को सजाने संवारने के लिए देखे थे आज जनता ने उस पर मोहर लगाई और माँ भगवती से हम ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें शक्ति दे और उनके सभी के सपनों के अनुरूप जिन्होंने हम पे इतनी अपेक्षा जताई ऋषिकेश की जनता ने, उनके सपनों का ऋषिकेश हम जरूर अवश्य बनाएंगे। पहली बार अस्तित्व में आए शिवालिक नगर पालिका के लिए हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा ने जीत हासिल की है। राजीव की जीत के बाद उनके समर्थकों में जीत की खुशी दौड़ पड़ी। राजीव शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उपेंद्र शर्मा को भारी अंतर से मात दी तो वहीं कांग्रेस के महेश प्रताप राणा तीसरे नंबर पर रहे। शिवालिक नगर पालिका सीट पर बीजेपी के स्थानीय विधायक आदेश चौहान के करीबियों और पार्टी प्रत्याशी को भारी विरोध झेलना पड़ा था। विधायक आदेश चौहान खेमे से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शिवालिक नगर के पूर्व मंडल अध्यक्ष उपेंद्र शर्मा ने ताल ठोक की थी। इसके बाद से बीजेपी को अपने ही मजबूत गढ़ में चुनावी प्रचार के दिनों में भी कड़ी चुनौती मिल रही थी, लेकिन पार्टी के अपने मजबूत गढ़ के बूते बीजेपी के राजीव शर्मा ने जीत हासिल की। शिवालिक नगर पालिका में कुल 20,113 वोट पड़े थे, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ने निर्दलीय उपेंद्र शर्मा को 2,431 वोट से मात दी। जीत के बाद राजीव शर्मा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जनता ने मुझे पर विश्वास जताया, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो संगठन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और ये उन लोगों को जिनसे चुनौती मिल रही थी उनको समझ में आ जाना चाहिए कि संगठन से बड़ा पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है। संगठन के साथ चलने में ही हर आदमी की पहचान है। संगठन के खिलाफ काम करने से यही नतीजा होता है और संगठन की शक्ति भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आशीर्वाद, उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया जनता का आशीर्वाद मिला, जीत संभव।
कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में दोबारा से भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। भाजपा के मेयर पद से के प्रत्याशी जोगेंद्र रोतेला दोबारा से कुमाऊं की सबसे हॉट सीट पर कब्जा करने में सफल रहे। जोगेंद्र रोतेला ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश को 10,854 वोटों से हराया। इसके अलावा हल्द्वानी नगर निगम के 60 वार्डों के पार्षदों की बात की जाए तो भाजपा की एक दर्जन पार्षद ही जीत पाए, बाकी वार्डों में निर्दलीय का कब्जा रहा। जोगेंद्र रोतेला की जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत का रहा। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि मैं अधिक से अधिक काम कर पाऊँ। जो मैंने अपना इलेक्शन का डॉक्यूमेंट का विजन डॉक्यूमेंट दिया है उसमें मैं काम करूंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। बात की जाए तो संगठन ने कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई, संगठन को भी किस तरीके से धन्यवाद देंगे, खासकर से मुख्यमंत्री हो या बंशीधर भगत या यशपाल आर्य हो? मैं केंद्रीय नेतृत्व का, पूरे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी जी का, माननीय यशपाल जी का, आदरणीय जो मेरे मार्गदर्शक हैं आदरणीय बंशीधर भगत जी का, आदरणीय नवीन दुमका जी का, पूरा जिला संगठन का और नगर मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नगर पंचायत बैरीनाग में पहली बार हुए नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय हेमपंत ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी महेश पंत को 1,159 मतों से हराया। कांग्रेस ने टिकट नहीं मिलने पर अध्यक्ष पद के लिए हेमपंत से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिनमें हेमपंत को 1,678, बीजेपी के महेश पंत को 5,559 और कांग्रेस के रविंद्र बोरा 231 वोट मिले। वहीं बेरीनाग नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष बने हेमपंत के समर्थकों ने उनके नाम की घोषणा के बाद नगर में जुलूस निकाला। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरीनाग क्षेत्र की जनता का जो अपार जन सहयोग मुझे मिला है, उसके लिए मैं अपने सभी मित्रों का, अपने परिवारजनों का, अपने गांव वासियों का, अपने पूरे बेरीनाग क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं राजनीति के क्षेत्र में सेवा भाव से हूँ। बेरीनाग का हम किस तरह विकास करें, सुनियोजित इसका एक विकास हो, प्लान डेवलपमेंट हो और यहाँ से जो पॉलिटेक्निक शिफ्ट होने की बात है तो ये भी होता है और जमीनों की रजिस्ट्री कार्यालय भी इधर नहीं है। प्रदेश भर में देर रात निकाय चुनाव ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ खत्म हो गया। नैनीताल में अरसे बाद कांग्रेस के सचिन नेगी ने नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा के अरविंद्र पडियाल समेत 12 उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 के निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस इस जीत को बड़ी सफलता मान रही है। कांग्रेस की जीत के बाद महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा कि ये केवल आगाज है और अब कांग्रेस 2019 के चुनाव में नैनीताल से सांसद जिताएगी। देर रात आए निकाय चुनाव के परिणामों में सचिन नेगी अध्यक्ष बने, जिन्हें 3,863 वोट मिले, जबकि भाजपा के अरविंद्र को 2,822 व निर्दलीय प्रत्याशी किशन नेगी को 3,577 वोट मिले। प्रथम तो नगर नैनीताल की नागरिक को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे सीट में काबिज किया है। जहाँ तक चुनौती की बात रही, मैं मानता हूँ चुनौतियाँ हैं, लेकिन जितने सीनियर कांग्रेसी हैं उनके साथ मिलके और जो बुद्धिवीर वर्ग है उनके साथ मिलके मैं चुनौती को दूर करूंगा। सत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम करने वाला होना चाहिए। प्राथमिकता की बात जहाँ तक रही, वहाँ तक जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो हम संपूर्ण रूप से जो जो वादे किए उसे पूरा करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।